क्लास नेक्स्ट हमारे पास है लेक्चर नंबर 28 का चैप्टर नंबर 8, ठीक है। एंड टॉपिक है चैप्टर नंबर 8 हमारे पास है कम्युनिकेशंस एंड नेटवर्क्स एंड कंप्यूटर सिक्योरिटी। इसमें हम कम्युनिकेशंस को स्टडी करेंगे, नेटवर्क्स को स्टडी करेंगे इस चैप्टर के अंदर, एंड कंप्यूटर सिक्योरिटी को स्टडी करेंगे चैप्टर नंबर 8 में। तो स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास फर्स्ट पे हम कम्युनिकेशंस को स्टडी करेंगे, कम्युनिकेशंस क्या होती हैं। देन फिर हम नेटवर्क्स को स्टडी करेंगे एंड कंप्यूटर सिक्योरिटी को स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट हम इस लेक्चर के अंदर कम्युनिकेशंस एंड नेटवर्क्स को स्टडी करते हैं। कम्युनिकेशंस क्या होता है, कम्युनिकेशंस क्या होती है। कम्युनिकेशन इज़ द एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन टू और मोर थिंग्स। कम्युनिकेशंस क्या है, एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन टू और मोर थिंग सच एज पीपल, devices, government, organizations or business. कम्युनिकेशन दो या दो से ज़्यादा चीज़ों, जैसे कि हमारे पास पीपल आ जाते हैं जिनमें devices हैं, ठीक है, governments, organizations और businesses में इंफॉर्मेशंस के तबादले को हम कम्युनिकेशंस कहते हैं। कम्युनिकेशंस क्या है, एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशंस, एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन टू और मोर थिंग। जैसे हमारे पास पीपल्स हैं, डिवाइसेस हैं, गवर्नमेंट, ऑर्गेनाइजेशन और बिजनेस, ठीक है। तो हम कम्युनिकेशन दो या दो ज़्यादा चीज़ों, जैसे कि हमारे पास पीपल, डिवाइसेस, गवर्नमेंट, ऑर्गेनाइजेशन और बिजनेस की इंफॉर्मेशंस के एक्सचेंज को हम कम्युनिकेशंस कहते हैं। इन डिजिटल कम्युनिकेशन, डिजिटल कम्युनिकेशन की बात की जाए तो डाटा इज़ एक्सचेंज बिटवीन टू और मोर कंप्यूटर डिवाइसेस। डिजिटल कम्युनिकेशंस में डाटा जो है वो दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटिंग डिवाइसेस में एक्सचेंज होता है, ठीक है। डाटा जो एक्सचेंज हो रहा है वो दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटिंग डिवाइसेस के दरमियान में हो रहा है, तो इसको हम कह रहे हैं कि डिजिटल कम्युनिकेशंस है, क्योंकि इसमें डिजिटल कम्युनिकेशन है, कंप्यूटिंग डिवाइसेस के दरमियान डाटा एक्सचेंज हो रहा है। कलेक्शन ऑफ डिजिटल डिवाइसेस एंड देयर कनेक्शन मीडिया इज़ अ कंप्यूटर नेटवर्क। एग्जांपल्स, फॉर एग्जांपल मॉडेम्स, केबल्स एंड पोल्स एंड ऑल कम्युनिकेशन डिवाइसेस। तो कलेक्शन जो है डिजिटल डिवाइसेस के एंड देयर कनेक्शन मीडिया वो क्या है, कंप्यूटर नेटवर्क है। तो कलेक्शन ऑफ डिजिटल डिवाइसेस एंड देयर कनेक्शन मीडिया इज़ अ कंप्यूटर नेटवर्क। तो कंप्यूटर नेटवर्क हम किसको बोलते हैं, कंप्यूटर नेटवर्क हम किसको कहते हैं, कलेक्शन ऑफ डिजिटल डिवाइसेस एंड देयर कनेक्शन मीडियाज को। तो डिजिटल डिवाइसेस एंड देयर कनेक्शन मीडिया की कलेक्शंस को हम कंप्यूटर नेटवर्क्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल्स हमारे पास मॉडम्स हो गए, केबल्स हैं, पोर्ट्स हैं, ये सारी कम्युनिकेशन डिवाइसेस हैं। तो कम्युनिकेशन डिवाइसेस क्या है, कम्युनिकेशन डिवाइसेस इज़ द एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन टू और मोर थिंग सच एज पीपल, डिवाइसेस, गवर्नमेंट, ऑर्गेनाइजेशंस और बिजनेस। इन डिजिटल कम्युनिकेशन डाटा इज एक्सचेंज बिटवीन टू और मोर कंप्यूटिंग डिवाइसेस। अगर डाटा आपका दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटिंग डिवाइसेस के दरमियान में एक्सचेंज हो रहा तो हम इसको कह रहे हैं डिजिटल कम्युनिकेशंस, ठीक है। उसके अलावा कंप्यूटर नेटवर्क की डेफिनेशन है, कंप्यूटर नेटवर्क किसे कहते हैं, कलेक्शन ऑफ डिजिटल डिवाइसेस एंड देयर कनेक्शन मीडिया, इसे हम कहते हैं कंप्यूटर नेटवर्क। फॉर एग्जांपल हमारे पास मॉडम्स हैं, केबल्स हैं, पोर्ट्स हैं एंड और ऑल हमारे पास ये सारी कम्युनिकेशन डिवाइसेस हैं। मॉडम हमारे पास कम्युनिकेशन डिवाइसेस है, इसी तरह केबल्स भी हमारे पास कम्युनिकेशन डिवाइसेस हैं। उसके अलावा हमारे पास पोर्ट्स जो हैं वो भी कम्युनिकेशन डिवाइसेस हैं। ओके, कम्युनिकेशंस के बाद हमारे पास आ जाती है, इसमें कम्युनिकेशन का सिर्फ इतना ही टॉपिक था थोड़ा सा, जिसमें हमारे पास जस्ट कम्युनिकेशन की डेफिनेशन है, ठीक है। उसके अलावा डिजिटल कम्युनिकेशन की डेफिनेशन है, कंप्यूटर नेटवर्क की डेफिनेशन है। थ्री डेफिनेशन हमारे पास कम्युनिकेशन के टॉपिक्स में इंक्लूड हैं। नेक्स्ट हमारे पास नेटवर्क्स एंड कंप्यूटर सिक्योरिटी आ जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम नेटवर्क्स को ही इस लेक्चर में स्टडी करेंगे। नेटवर्क्स क्या है, कंप्यूटर नेटवर्क इज़ अ ग्रुप ऑफ कंप्यूटर लिंक टू ईच अदर डेट एनेबल द कंप्यूटर टू कम्युनिकेट विद अनदर कंप्यूटर एंड शेयर देयर रिसोर्सेज, डेटा एंड एप्लीकेशंस। ठीक है, कंप्यूटर नेटवर्क इज़ अ ग्रुप ऑफ कंप्यूटर,
लिंक टू ईच अदर। कंप्यूटर नेटवर्क एक कंप्यूटर्स का ग्रुप है जो एक दूसरे के साथ लिंक होते हैं, ठीक है, जो काबल होते हैं कि कंप्यूटर एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकें, कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर्स के साथ जो है वो डाटा को शेयर कर सके, रिसोर्सेज शेयर कर सके, एप्लीकेशन शेयर कर सके। इसको हम कहते हैं कंप्यूटर नेटवर्क, ठीक है। कंप्यूटर नेटवर्क्स हमारे पास, कंप्यूटर नेटवर्क कैन बी कैटेगराइज बाय देयर साइज। कंप्यूटर नेटवर्क मेनली फोर टाइप्स, कंप्यूटर नेटवर्क्स की फोर टाइप्स हैं। फर्स्ट हमारे पास है, एक है पैन पर्सनल एरिया नेटवर्क, लैन लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक है, मैन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, एंड वैन वाइड एरिया नेटवर्क। थ्री टाइप्स हमारे पास हैं कंप्यूटर जो है नेटवर्क्स की, फोर टाइप है सॉरी, जिसमें हम थ्री टाइप्स को डिस्कस करेंगे, जिसमें हमारे पास आ जाती है लोकल एरिया नेटवर्क लैंस, मैन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, वैन वाइड एरिया नेटवर्क। लैन मैन और वैन, फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं लैन को, लोकल एरिया नेटवर्क को। लोकल एरिया नेटवर्क इज़ अ ग्रुप ऑफ कंप्यूटर्स कनेक्टेड टू ईच अदर इन अ स्मॉल एरिया सच एज बिल्डिंग ऑफिस। लोकल एरिया नेटवर्क एक ग्रुप है कंप्यूटर्स का जो एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं एक स्मॉल एरिया के अंदर, लाइक बिल्डिंग्स में या ऑफिस में। हम दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर्स को कनेक्ट आपस में कर देते हैं तो वो हमारे पास लैन नेटवर्क्स बन जाता है, ठीक है। तो लैन क्या है, लोकल एरिया नेटवर्क इज़ अ ग्रुप ऑफ कंप्यूटर्स कनेक्टेड टू ईच अदर इन अ स्मॉल एरिया सच एज बिल्डिंग ऑफिस। लोकल लैन इज़ यूज्ड फॉर कनेक्टिंग टू और मोर पर्सनल कंप्यूटर्स थ्रू अ कम्युनिकेशन मीडियम सच एज ट्विस्टेड पेयर क्यूक्सल केबल एक्स्ट्रा। तो लैन जो है वो किस लिए यूज़ होती है, कनेक्ट करने के लिए टू और मोर पर्सनल कंप्यूटर्स को। तो लैन दो या दो से ज़्यादा पर्सनल कंप्यूटर को कनेक्ट करने के लिए इस्तेमाल होती है। और दो या दो से ज़्यादा पर्सनल कंप्यूटर कैसे कनेक्ट होते हैं, वो थ्रू कम्युनिकेशन मीडियम हम कनेक्ट करते हैं, जैसे हमारे पास ट्विस्टेड पेयर हैं, क्यूक्सल्स केबल्स हैं, ठीक है। तो क्यूक्सल केबल ट्विस्टेड पेयर्स मीन्स कम्युनिकेशन मीडियम्स के थ्रू हम पर्सनल कंप्यूटर्स को जो है वो आपस में कनेक्ट करते हैं। इट इज़ लेस कॉस्टली एज इट इज़ बिल्ट विद इनएक्सपेंसिव हार्डवेयर सच एज हब नेटवर्क अडॉप्टर एंड ईथरनेट केबल्स। तो ये बहुत ही लेस कॉस्टली होती है या ज़्यादा कॉस्टली नहीं होती, ठीक है, और क्योंकि इसमें बहुत ही इनएक्सपेंसिव हार्डवेयर जो हैं वो यूज होते हैं, जैसे कि हमारे पास हब हो गई, कोई नेटवर्क अडॉप्टर्स हो गया, कोई ईथरनेट केबल हो गई, इसी तरह, इसलिए बहुत ज़्यादा कॉस्टली है, सॉरी लेस कॉस्टली है, ठीक है, इनएक्सपेंसिव है। द डाटा इज़ ट्रांसफर्ड एट एन एक्सट्रीमली फास्टर रेट इन लोकल एरिया नेटवर्क। तो एक्सट्रीमली फास्टर रेट में डाटा ट्रांसफ़र होता है लोकल एरिया नेटवर्क में। लोकल एरिया नेटवर्क प्रोवाइड हायर सिक्योरिटी, लोकल एरिया नेटवर्क जो है वो हाई सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट हमारे पास है मैन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क इज़ अ नेटवर्क डेट कवर अ लार्ज जियोग्राफिक एरिया बाय इंटरकनेक्टिंग अ डिफरेंट लैन टू फॉर्म अ लार्ज नेटवर्क। अच्छा, तीन या चार लैन को हम कनेक्ट करके हम एक मैन नेटवर्क बना लेते हैं, ठीक है। पहले लैन नेटवर्क्स बनाते हैं, ठीक है। लैन कैसे बनता, अब दो या चार या पाँच छः पर्सनल कंप्यूटर्स को हम कनेक्ट करके एक लैन बना लेते हैं, फिर अगर तीन या चार लैन हम बना के उन लैंस को आपस में कनेक्ट करके हम मैन नेटवर्क बना लेते हैं, ठीक है। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क इज़ अ नेटवर्क डेट कवर अ लार्ज जियोग्राफिक एरिया। ये जो मेट्रोपॉलिटन नेटवर्क है ये लार्ज जियोग्राफिक एरिया को कवर कर रहा है। इंटरकनेक्टिंग होती है इसमें डिफरेंट लैन की एक लार्ज नेटवर्क में, लाइक गवर्नमेंट एजेंसीज यूज़ करती हैं मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क को टू कनेक्ट करने के लिए सिटीजन्स को एंड प्राइवेट इंडस्ट्रीज़ को। तो डिफरेंट सिटीजन्स को एंड प्राइवेट इंडस्ट्रीज़ को आपस में कनेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट एजेंसीज मैन नेटवर्क को यूज़ करती हैं। इन मैन वेरियस लैंस आर कनेक्टेड टू ईच अदर थ्रू अ टेलीफोन एक्सचेंज लाइन। मैन के अंदर बहुत सारे लैन एक दूसरे के साथ टेलीफोन एक्सचेंज लाइंस के थ्रू कनेक्ट होते हैं। मोस्ट वाइडली यूज प्रोटोकॉल इन मैंस आर RS-232, फ्रेम रिले, ATM, ISDN, OC/3, ADSL, एक्स्ट्रा। तो मोस्ट जो वाइडली यूज है प्रोटोकॉल का मेंस के अंदर वो RS-232 है, फ्रेम रिले है, ATM है, ISDN है, OC3, ADSL। ये तमाम हमारे पास
मैन प्रोटोकॉल्स हैं, ठीक है। इट हैज़ अ हायर रेंज दैन लोकल एरिया नेटवर्क, तो ये हायर रेंज है लोकल एरिया नेटवर्क्स की, जो मैन है ये हायर रेंज है लोकल एरिया नेटवर्क से। मैन के बाद मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क के पास हमारे पास आ जाता है वैन, वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड एरिया नेटवर्क इज़ अ नेटवर्क डेट एक्सटेंड ओवर अ लार्ज जियोग्राफिकल एरिया सच एज स्टेट्स और कंट्रीज। अब जो वाइड एरिया नेटवर्क है ये कंट्रीज़ को कवर कर रहा है, स्टेट्स को आपस में कनेक्ट कर रहा है। सबसे जो इसकी बिग एग्जाम्पल है वैन एरिया नेटवर्क की वो इंटरनेट है। इंटरनेट देखें, ये जो इंटरनेट का नेटवर्क है पूरा, ये कंट्रीज़ और स्टेट्स को कवर कर रहा है, ठीक है। जैसे वैन लैन हमारे पास एक बिल्डिंग्स को, एक ऑफिस को कवर कर रही है, मेट्रोपॉलिटन एरिया एक सिटीज़ को या डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ को कवर कर रही होती हैं, और वैन हमारे पास कंट्रीज़ को, ठीक है, कंट्रीज़ को स्टेट्स को कवर कर रहा होता है। तो वाइड एरिया नेटवर्क इज़ अ नेटवर्क डेट एक्सटेंड ओवर आ, तो ये कहाँ तक फैला हुआ है, एक लार्ज जियोग्राफिकल एरिया को ये कवर कर रहा है, जैसे कंट्रीज़ को कवर कर रहा है और स्टेट्स को कवर कर रहा है। वाइड एरिया नेटवर्क इज़ क्वाइट बिगर नेटवर्क देन द लैन, तो जो वाइड एरिया नेटवर्क है ये बहुत ही एक बड़ा नेटवर्क है लैन की नस्बत, ठीक है। वाइड एरिया नेटवर्क इज़ नॉट लिमिटेड टू सिंगल लोकेशन, ये एक सिंगल लोकेशन पे लिमिटेड नहीं है, बट इट स्पेंस ओवर अ लार्ज जियोग्राफिकल एरिया थ्रू अ टेलीफोन लाइंस, फाइबर ऑप्टिक केबल और सेटेलाइट लिंक, तो ये एक लार्ज जियोग्राफिकल एरियाज को कवर करता है थ्रू टेलीफोन लाइंस के थ्रू, फाइबर ऑप्टिक केबल्स के थ्रू एंड सेटेलाइट लिंक्स के थ्रू। इंटरनेट मैंने पहले भी बताया कि इंटरनेट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट वैन इन द वर्ल्ड, तो सबसे जो बड़ा वाइड एरिया नेटवर्क पूरी दुनिया के अंदर है वो हमारे पास इंटरनेट है। वाइड एरिया नेटवर्क इज़ वाइडली यूज्ड इन द फील्ड ऑफ बिजनेस, गवर्नमेंट्स एंड एजुकेशन, तो हमारे पास जो वाइड एरिया नेटवर्क है जो सबसे ज़्यादा यूज़ कहाँ हो रहा है, किस फील्ड में, बिजनेस के अंदर, गवर्नमेंट्स के अंदर, एजुकेशन के अंदर। अब आप इंटरनेट को देख लो, ये होम घरों में भी यूज़ हो रहा है ये नेटवर्क, बिजनेसेस में भी, बिजनेस तो इस नेटवर्क के बगैर बिल्कुल नहीं चल सकता, गवर्नमेंट बिल्कुल, गवर्नमेंट को तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है वाइड एरिया नेटवर्क की। एजुकेशन में जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है वैन का, ठीक है। तो इसके अलावा हमारे पास वाइड एरिया नेटवर्क के बाद आ जाता है पर्सनल एरिया, वो इधर तो आपके मेंशन नहीं है, लेकिन मैं वैसे आपको बता देती हूँ कि पर्सनल एरिया नेटवर्क क्या होता है। जैसे कि एक कंप्यूटर है, कंप्यूटर्स के साथ हम प्रिंटर को अटैच कर लें, ठीक है, तो वो एक पर्सनल एरिया नेटवर्क बन गया, क्योंकि एक कंप्यूटर, एक लैपटॉप, एक सिस्टम्स के साथ हम डिफरेंट जो चीज़ें हैं लाइक स्कैनर्स है, प्रिंटर्स हैं, इन चीज़ों को जब हम अटैच करते हैं तो वो एक पर्सनल एरिया नेटवर्क हमारे पास बन जाता है, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं पर्सनल एरिया नेटवर्क। फॉर इसकी टाइप्स थी पैन पर्सनल एरिया नेटवर्क, लैन लोकल एरिया नेटवर्क, मैन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, वैन वाइड एरिया नेटवर्क्स। तो जिसमें थ्री टाइप्स को यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया था, ठीक है, जिनको हमने अभी स्टडी किया है। एक टाइप जो है पैन पर्सनल एरिया नेटवर्क को यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं किया गया। ओके, नेटवर्क आर्किटेक्चर्स आ जाते हैं नेक्स्ट हमारे पास। नेटवर्क आर्किटेक्चर कंप्यूटर नेटवर्क्स के अंदर आ जाते हैं नेटवर्क आर्किटेक्चर्स। कंप्यूटर नेटवर्क आर्किटेक्चर इज डिफाइंड एज द फिजिकल एंड लॉजिकल डिज़ाइन ऑफ द सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, प्रोटोकॉल एंड मीडिया ऑफ द ट्रांसमिशन ऑफ डाटा। सिंपली वी कैन से दैट हाउ कंप्यूटर्स आर ऑर्गेनाइज्ड एंड हाउ टास्क आर एलोकेटेड टू द कंप्यूटर्स। अब कंप्यूटर आर्किटेक्चर की अब बात की जाए तो कंप्यूटर नेटवर्क आर्किटेक्चर डिफाइन कर रहा है फिजिकल एंड लॉजिकल डिज़ाइन सॉफ्टवेयर्स के, सॉफ्टवेयर के फिजिकल डिज़ाइन एंड लॉजिकल डिज़ाइन को, हार्डवेयर के फिजिकल लॉजिकल डिज़ाइन को, प्रोटोकॉल्स के फिजिकल लॉजिकल डिज़ाइन को, मीडिया और ट्रांसमिशन ऑफ डाटा, ठीक है। तो इसके वो फिज़िकल लॉजिकल डिज़ाइंस को बेसिकली डिफाइन करते हैं हमारे कंप्यूटर नेटवर्क आर्किटेक्चर्स। सिंपली वी कैन से दैट हाउ कंप्यूटर आर ऑर्गेनाइज, हम सिंपली ये कह सकते हैं कि कंप्यूटर किस तरीके से ऑर्गेनाइज हुआ एंड हाउ टास्क आर एलोकेटेड टू द कंप्यूटर, किस तरीके से जो टास्क हैं वो कंप्यूटर को एलोकेट किए जाते हैं। तो ये चीज़ें हमारे पास कंप्यूटर नेटवर्क आर्किटेक्चर्स में आ जाती हैं। तो कंप्यूटर नेटवर्क आर्किटेक्चर्स, द टू टाइप्स ऑफ नेटवर्क आर्किटेक्चर्स आर यूज्ड, तो हमारे पास दो टाइप्स चूज हो रही हैं कंप्यूटर नेटवर्क आर्किटेक्चर्स की, पीयर टू पीयर नेटवर्क एंड क्लाइंट सर्वर नेटवर्क।
पीयर टू पीयर नेटवर्क इज़ द नेटवर्क इन विच ऑल द कंप्यूटर्स आर लिंक टूगेदर विद इक्वल प्रिविलेज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज फॉर प्रोसेसिंग द डाटा. पीयर टू पीयर नेटवर्क इज़ यूजफुल फॉर स्मॉल इन्वायरमेंट यूजली अप टू 10 कंप्यूटर्स. पीयर टू पीयर नेटवर्क हैज़ नो डेडिकेटेड सर्वर. स्पेशल परमिशंस आर असाइंड टू ईच कंप्यूटर फॉर शेयरिंग द रिसोर्सेज बट दिस कैन लीड टू अ प्रॉब्लम इफ द कंप्यूटर विद द रिसोर्स इज डाउन. तो पीयर टू पीयर नेटवर्क एक ऐसा नेटवर्क है जिसमें तमाम कंप्यूटर्स डाटा की प्रोसेसिंग के लिए इक्वल प्रिविलेज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ फॉर प्रोसेसिंग डाटा. ठीक है, इक्वल जिनकी प्रिविलेज होती है एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बिल्कुल इक्वल होती हैं. ठीक है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के साथ लिंक होते हैं. इक्वल प्रिविलेज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के साथ लिंक्ड होते हैं. तो पीयर टू पीयर नेटवर्क एक ऐसा नेटवर्क है जिसमें तमाम कंप्यूटर्स डाटा की प्रोसेसिंग के लिए इक्वल प्रिविलेज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के साथ लिंक्ड होते हैं. द पीयर टू पीयर नेटवर्क इज़ यूजफुल फॉर स्मॉल इन्वायरमेंट यूजली अप टू 10 कंप्यूटर्स. तो पीयर टू पीयर नेटवर्क जो है वो स्मॉल इन्वायरमेंट्स के लिए मुफीद हैं. ठीक है, बिल्कुल यूज़फुल हैं. जैसे कि आमतौर पर हम कह सकते हैं कि 10 कंप्यूटर्स तक इनके जो है ये लिमिट होती है. पीयर टू पीयर नेटवर्क जो है वो 10 कंप्यूटर्स तक नेटवर्क बनता है, 10 कंप्यूटर्स का ज़्यादा से ज़्यादा. पीयर टू पीयर नेटवर्क्स हैज़ नो डेडिकेटेड सर्वर. तो पीयर टू पीयर नेटवर्क्स का जो है वो कोई डेडिकेटेड सर्वर नहीं होता. स्पेशल परमिशंस आर असाइन टू ईच कंप्यूटर फॉर शेयरिंग द रिसोर्सेज. अगर कोई भी रिसोर्सेज को शेयर करना है तो फिर स्पेशल परमिशंस असाइंड होगी. ठीक है, देन ही जो है वो कंप्यूटर्स रिसोर्सेज शेयर कर सकेगा. बट दिस कैन लीड टू प्रॉब्लम इफ़ द कंप्यूटर विद द रिसोर्सेज इज़ डाउन. रिसोर्सेज डाउन, लेकिन अगर रिसोर्स डाउन हो जाएगा तो फिर ये प्रॉब्लम को लीड करेगा. ठीक है, प्रॉब्लम कब होती है, प्रॉब्लम कब होगी अगर कंप्यूटर का रिसोर्स जो है वो डाउन हो जाएगा. ओके, पीयर टू पीयर नेटवर्क के बाद हमारे पास है क्लाइंट सर्वर नेटवर्क. क्लाइंट सर्वर नेटवर्क इज़ अ नेटवर्क मॉडल डिज़ाइन फॉर द एंड यूज़र कॉल्ड क्लाइंट टू एक्सेस द रिसोर्सेज सच एज सॉन्ग वीडियो फ्रॉम अ सेंट्रल कंप्यूटर नॉन एज सर्वर. द सेंट्रल कंट्रोलर इज नॉन एज सर्वर वाइल ऑल अदर कंप्यूटर इन अ नेटवर्क आर कॉल्ड क्लाइंट्स. अ सर्वर परफॉर्म ऑल द मेजर ऑपरेशन सच एज सिक्योरिटी एंड नेटवर्क मैनेजमेंट. सर्वर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग ऑल द रिसोर्सेज सच एज फाइल्स डायरेक्टरीज प्रिंटर्स. All the clients communicate with each other through a server. For example, if client 1 wants to send some data to client 2, then it will send the request to the server for the permission. A client-server network is a network model designed for the end user called clients. तो जो हमारे पास client-server network एक ऐसा network model है जिसे client के लिए design किया गया है. ठीक है, तो एक्सेस द रिसोर्सेज सच एज ताकि रिसोर्सेज तक एक्सेस दी जा सके, जैसे कि सॉन्ग्स हैं, वीडियोस वगैरह हैं. ठीक है, फ्रॉम अ सेंट्रल कंप्यूटर नॉन ए सर्वर. तो इसको सर्वर सेंट्रल कंप्यूटर सर्वर्स का नेम दिया गया है. ठीक है, एंड सेंट्रल कंट्रोलर इज नॉन ए सर्वर वाइल ऑल अदर कंप्यूटर इन द नेटवर्क आर कॉल्ड क्लाइंट. सेंट्रल कंट्रोलर्स को सर्वर का नाम के नाम से जाना जाता है. ठीक है, जबकि नेटवर्क्स में मौजूद देकर तमाम कंप्यूटर्स को हम क्लाइंट कहते हैं. तो जो हमारे सेंट्रल कंट्रोलर होता है उसको सर्वर कहते हैं, और उसके अलावा जितने भी ऑल अदर कंप्यूटर्स होते हैं नेटवर्क्स में हम उन कंप्यूटर्स को क्लाइंट कहते हैं. सर्वर परफॉर्म ऑल द मेजर ऑपरेशन सच एज सिक्योरिटी एंड नेटवर्क मैनेजमेंट. तो जितने भी सिक्योरिटी एंड नेटवर्क मैनेजमेंट से रिलेटेड और मेजर ऑपरेशन होते हैं वो सर्वर परफॉर्म करता है. सर्वर इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग ऑल द रिसोर्सेज सच एज फाइल्स डायरेक्टरीज प्रिंटर्स. तो सर्वर रिस्पॉन्सिबल होता है मैनेज करने के लिए जितने भी रिसोर्सेज हैं, जैसे फाइल्स हैं, डायरेक्टरीज हैं या प्रिंटर्स वगैरह हैं. ऑल द क्लाइंट्स कम्युनिकेट विद ईच अदर थ्रू अ सर्वर. जितने भी क्लाइंट्स हैं वो कम्युनिकेट करते हैं एक दूसरे के साथ सर्वर्स के थ्रू. फॉर एग्जाम्पल, इफ क्लाइंट 1 वांट टू सेंड सम डेटा टू क्लाइंट 2, अगर एक क्लाइंट 1 जो है वो डेटा सेंड कर देता है क्लाइंट 2 को, देन इट फर्स्ट सेंड द रिक्वेस्ट टू सर्वर फॉर द परमिशन. अगर क्लाइंट 1, ठीक है, क्लाइंट 2 को सेंड कर रहा है डाटा,
तो फर्स्ट वो सर्वर को रिक्वेस्ट भेजेगा परमिशन के लिए, सर्वर परमिशन देगा, फिर जो डाटा है वो क्लाइंट टू को ट्रांसफ़र होगा। अगर फॉर एग्जांपल क्लाइंट वन ने क्लाइंट थ्री को डाटा ट्रांसफ़र करना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल वो जो रिक्वेस्ट है वो सर्वर को भेजेगा, फिर सर्वर परमिशन देगा, देन जाके आपका डाटा जो है वो ट्रांसफ़र होगा क्लाइंट थ्री को। तो ये हमारे पास एक जो है क्लाइंट सर्वर नेटवर्क्स हैं। नेक्स्ट हमारे पास आती हैं नेटवर्क टोपोलॉजीज। नेटवर्क टोपोलॉजी डिफाइन द स्ट्रक्चर ऑफ द नेटवर्क। नेटवर्क टोपोलॉजीज स्ट्रक्चर को डिफाइन करती हैं नेटवर्क के, ऑफ हाउ ऑल द कंपोनेंट ऑफ द इंटरकनेक्टेड टू ईच अदर, के किस तरीके से जो कंपोनेंट्स हैं तमाम कंपोनेंट्स वो एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्ट्स होते हैं। नेटवर्क टोपोलॉजी डिफाइंस द स्ट्रक्चर ऑफ द नेटवर्क। नेटवर्क टोपोलॉजी नेटवर्क के स्ट्रक्चर्स को डिफाइन करती हैं। हाउ ऑल द कंपोनेंट्स आर इंटरकनेक्टेड टू ईच अदर, किस तरह जितने भी कंपोनेंट हैं वो एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्ट होते हैं। फिजिकल टोपोलॉजी इज़ द ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल द नोड इन अ नेटवर्क। जितने भी फिजिकल टोपोलॉजी हैं वो एक ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन है ऑफ ऑल द नोड्स इन अ नेटवर्क। नेटवर्क के अंदर एक नोड है, नोड को हम क्लाइंट भी कहते हैं, कोई एक कंप्यूटर है एक नेटवर्क के अंदर, ठीक है, उसको हम नोड्स बोलते हैं कंप्यूटर को। तो नेटवर्क में जितने भी नोड्स हैं उनको रिप्रेजेंट करने के लिए कौन सी टोपोलॉजी यूज़ हो रही है, फिजिकल टोपोलॉजी यूज़ होती है। तो नेटवर्क टोपोलॉजीज हैं हमारे पास, बस टोपोलॉजी है, रिंग टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, ट्री टोपोलॉजी, मैश टोपोलॉजी, हाइब्रिड टोपोलॉजी। तो फर्स्ट हम इसमें जो है वो डिस्कस करते हैं बस टोपोलॉजी को, बस टोपोलॉजी क्या होती है। बस टोपोलॉजी इज़ डिज़ाइंड इन सच अ वे डेट ऑल द स्टेशन आर कनेक्टेड थ्रू अ सिंगल केबल नॉन एज बैकबोन केबल। तो बस टोपोलॉजी ऐसे डिज़ाइन की गई है, इस वे में डिज़ाइन की गई है कि जितने भी स्टेशन हैं, जितने भी नोड्स हैं वो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं एक सिंगल केबल के साथ, ठीक है। कि बस टोपोलॉजी को इस तरीके से डिज़ाइन किया गया कि तमाम स्टेशन एक दूसरे के साथ एक सिंगल केबल्स के थ्रू जो है वो कनेक्टेड हैं, ठीक है, जिसे हम बैकबोन केबल्स भी कहते हैं। ईच नोड इज़ आइदर कनेक्टेड टू द बैकबोन केबल बाय ड्रॉप केबल और डायरेक्टली कनेक्टेड टू द बैकबोन केबल्स। हर नोड जो है वो कनेक्टेड होती है एक बैकबोन केबल्स के साथ, ठीक है, जैसे हम कहते हैं कि ड्रॉप केबल है और डायरेक्टली वो कनेक्टेड होती है बैकबोन, जो ड्रॉप केबल्स हैं और डायरेक्टली कनेक्टेड टू बैकबोन केबल। हर नोड या तो ड्रॉप केबल के ज़रिए बैकबोन केबल से कनेक्टेड होती है या डायरेक्टली बैकबोन केबल से जो है वो कनेक्टेड होती है, ठीक है। नोड क्या है, नोड हमारे पास एक कंप्यूटर है, और बैकबोन केबल जो है नोड कंप्यूटर, या तो वो ड्रॉप केबल्स के थ्रू बैकबोन केबल से कनेक्ट हो जाएगी नोड या कंप्यूटर, या फिर कंप्यूटर डायरेक्टली जो है वो बैकबोन केबल के साथ जो नोड है जिसको हम कंप्यूटर में कह रही हूँ, क्लाइंट कह रही हूँ, वो या तो डायरेक्टली बैकबोन केबल से कनेक्ट हो जाएगा या ड्रॉप केबल्स के थ्रू वो बैकबोन से कनेक्ट होगा। व्हेन अ नोड वांट टू सेंड मैसेज ओवर द नेटवर्क, जब कोई नोड कोई भी मैसेज सेंड करना चाहती है नेटवर्क के ऊपर, इट पुट अ मैसेज ओवर द नेटवर्क, तो ये नेटवर्क पे एक पैगाम जो है वो पुट करेगी। ऑल द स्टेशन अवेलेबल इन द नेटवर्क वी रिसीव द मैसेज, जितने भी स्टेशंस कनेक्टेड होंगे बैकबोन केबल्स के साथ तमाम स्टेशंस जो हैं नेटवर्क में वो मैसेज को रिसीव करेंगे। व्हेन एवर इट हैज़ बीन एड्रेस्ड और नोट, वो देखेंगे कि ये इसका एड्रेस जो है वो हमारे स्टेशन का एड्रेस है या नहीं, वो एड्रेस मैच करेंगे, ठीक है। तो जो एड्रेस जिस कंप्यूटर का मैच हो जाएगा उसको मैसेज रिसीव हो जाएगा। तो जब कोई नोड जो है वो नेटवर्क पर कोई मैसेज भेजना चाहता है तो वो नेटवर्क पर एक पैगाम को पुट करता है। नेटवर्क पर अवेलेबल तमाम स्टेशंस को ये मैसेजेस जो है वो रिसीव हो जाता है, ठीक है, रिसीव होता है। तो वो फिर देखता है कि इसका एड्रेस जो है वो मैच हो रहा है हमारे सिस्टम्स के साथ। अगर तो स्टेशंस के साथ एड्रेस मैच हो जाता है देन वो जिसका एड्रेस सिस्टम्स के साथ मैच होगा उससे जो है वो मैसेज रिसीव हो जाएगा सिस्टम्स को। बस टोपोलॉजी इज मेनली यूज्ड इन 802.3 ईथरनेट एंड 802.4 स्टैंडर्ड नेटवर्क। तो बस टोपोलॉजी कहाँ यूज़ हो रही है, 802.3 ईथरनेट में एंड 802.4 स्टैंडर्ड नेटवर्क्स के अंदर। द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ अ बस टोपोलॉजी इज क्वाइट सिंपलर एज कम्पेयर टू अदर टोपोलॉजीज। तो कॉन्फ़िगरेशन जो है बस टोपोलॉजी की बहुत ज़्यादा सिंपलर होती है, कंपेयर हम उसको करते हैं अदर टोपोलॉजीज के साथ। बैकबोन केबल इज़ कंसिडर्ड एज अ सिंगल लेन थ्रू विच द मैसेज इज ब्रॉडकास्ट टू ऑल द स्टेशन। द
तो बैकबोन केबल जो होती है कंसीडर की जाती है एज अ सिंगल लेन। हम बैकबोन केबल्स को एज अ सिंगल लेन भी हम कंसीडर करते हैं, ठीक है, जिसके थ्रू तमाम स्टेशंस को जो है वो मैसेज ब्रॉडकास्ट किया जाता है। नेक्स्ट बस स्टेशंस के बस टोपोलॉजी के बाद हमारे पास आ जाती हैं रिंग टोपोलॉजी। रिंग टोपोलॉजी इज़ लाइक अ बस टोपोलॉजी बट विथ कनेक्टेड एंड्स। रिंग टोपोलॉजी बिल्कुल बस टोपोलॉजी की तरह है, ठीक है, लेकिन इसके ये बट विथ कनेक्टेड एंड, लेकिन इसके जो एंड्स हैं वो कनेक्टेड होते हैं। द नोड डेट रिसीव द मैसेज फ्रॉम द प्रीवियस कंप्यूटर विल रीट्रांसमिट टू द नेक्स्ट नोड। द डेटा फ्लो इन वन डायरेक्शंस, इट इज़ यूनिडायरेक्शनल। द डेटा फ्लो इन अ सिंगल लूप continuously known as an endless loop. It has no terminated end. Each node is connected to other node and having no transmission termination point. The data in a ring topology flow in a clockwise directions. The most common access method of the ring topology is token passing. Token passing kya hai? Token passing, it is a network access method in which token is passed from one node to another node. Token ki definition, token it is a frame that circulate around the network. To ring topology kya hai? Ring topology bilkul like bus topology ki tarah hai, theek hai, lekin je but with connected ends hote hain. Ring topology mein nodes that receive the message from the previous computer will retransmit to the next node. Node जो receive करते हैं messages previous computer से वो retransmit करते हैं next node में. Node that receive the messages from the previous computer, जो nodes receive करते हैं messages को previous computer से वो retransmit होते हैं next node में, ठीक है. Node जो पिछले computer से पैगामात जो है वो वसूल करता है वो अगले node पर दोबारा जो है वो मुंतकिल हो जाता है, ठीक है, वो रीट्रांसमिट हो जाता है नेक्स्ट नोड पे. जो भी नोड रिसीव करता मैसेज को प्रीवियस नोड से वो नेक्स्ट नोड में रीट्रांसमिट हो जाता है, ठीक है. डाटा फ्लो होता है एक डायरेक्शंस में, डाटा फ्लो होता है, डाटा फ्लो जो है वो सिर्फ एक डायरेक्शंस में होता है, इट इज़ यूनिडायरेक्शनल. उसके अलावा ये जो है वो मीन्स ये यूनिडायरेक्शनल होता है, जस्ट वन डायरेक्शंस में डाटा की फ़्लो होती है रिंग टोपोलॉजीज़ में. रिंग टोपोलॉजीज़ के अंदर जो डाटा फ्लो करता है वो सिर्फ एक डायरेक्शंस में फ़्लो करता है. डाटा फ्लो इन अ सिंगल लूप कंटिन्यूसली नॉन एज एन एंडलेस लूप. जो डाटा फ्लो होता है सिंगल लूप में हम उसको कंटिन्यूसली कहते हैं कि ये हमारे पास एंडलेस लूप है, ठीक है. इट हैज़ नो टर्मिनेटेड एंड, इसका कोई टर्मिनेटेड एंड नहीं होता. ईच नोड इज़ कनेक्टेड टू अदर नोड एंड हैविंग नो टर्मिनेशन पॉइंट. रिंग टोपोलॉजी के अंदर हर नोड जो है वो कनेक्ट होती है दूसरी नोड से और इसका कोई टर्मिनेशन पॉइंट्स नहीं होता. इट हैज़ नो टर्मिनेशन एंड. जो डाटा फ्लो है वो एक सिंगल लूप में कंटिन्यूसली फ्लो होता रहता है, मीन्स एंडलेस लूप है. फ्लो जो है वो डाटा की चलती रहती है रिंग के अंदर, ठीक है, एक रिंग की फॉर्म में होती है कि एक कंप्यूटर से दूसरे में, दूसरे से थर्ड में, थर्ड से फोर में, फोर से फाइव में, फाइव से फिर फर्स्ट कंप्यूटर में. अगर फाइव कंप्यूटर्स की को कनेक्ट करके रिंग टोपोलॉजी बनाई गई है तो वो इस तरह कि फर्स्ट कंप्यूटर से डाटा फ्लो हो गया सेकेंड में, सेकेंड से थर्ड में, थर्ड से फोर्थ में, फोर्थ से फाइव में, फिर फर्स्ट में, फिर सेकेंड, थर्ड, फोर, फाइव, एक लूप की तरह कंटिन्यूसली जो है वो डाटा का फ्लो जो है वो होता रहता है, कोई टर्मिनेटेड एंड नहीं है. मीन्स ईच नोड इज़ कनेक्टेड टू अदर नोड एंड हैविंग नो टर्मिनेशन पॉइंट, कि एक नोड दूसरे नोड से कनेक्टेड होती है और इनका कोई भी टर्मिनेशन पॉइंट नहीं होता. डाटा इन अ रिंग टोपोलॉजी फ्लो इन अ क्लॉक वाइज डायरेक्शन, वही बिल्कुल जैसे रिंग की फॉर्म में क्लॉक वाइज डायरेक्शन भी डाटा का फ्लो हो रहा है रिंग टोपोलॉजी के अंदर, फ्लो क्लॉक वाइज डायरेक्शन में हो रहा है, ठीक है. द मोस्ट कॉमन एक्सेस मैथड ऑफ द रिंग टोपोलॉजी इज़ टोकन पासिंग. अब जो सबसे कॉमन जो है रिंग टोपोलॉजी के अंदर एक्सेस मैथड
डेटा का वो टोकन पासिंग है। द मोस्ट कॉमन एक्सेस मेथड ऑफ द रिंग टोपोलॉजी इज टोकन पासिंग। अब टोकन क्या है, टोकन पासिंग क्या है? टोकन पासिंग बेसिकली एक नेटवर्क एक्सेस मेथड है जिसमें टोकन को हम पास करते हैं एक नोड से दूसरी नोड तक, जिसमें एक नोड से दूसरी नोड तक टोकन पास होता है। ठीक है, टोकन जो टोकन क्या है, टोकन एक फ्रेम है जो कि सर्कुलेट करता है अराउंड नेटवर्क। इट इज़ अ फ्रेम दैट सर्कुलेट अराउंड द नेटवर्क। ये टोकन की डेफिनेशन है। टोकन बेसिकली क्या है, टोकन इज़ अ फ्रेम दैट सर्कुलेट अराउंड द नेटवर्क। तो टोकन ये एक ऐसा फ्रेम है जो नेटवर्क के गिर्ड जो है वो सर्कुलेट कर रहा होता है। तो टोकन पासिंग क्या है, टोकन पासिंग ये नेटवर्क तक जो है एक्सेस का एक ऐसा मेथड है जो टोकन को एक नोड से दूसरे नोड तक पहुंचाता है। इट इज़ अ नेटवर्क एक्सेस मेथड इन विच टोकन इज़ पास्ड फ्रॉम वन नोड टू अनदर नोड। ये नेटवर्क एक्सेस मेथड है जिसमें टोकन जो है वो पास होता है एक नोड से दूसरे नोड तक। तो ये हमारे पास है रिंग टोपोलॉजी। अच्छा, फर्स्ट हमने पढ़ी बस टोपोलॉजी, बस के बाद हमारे पास थी रिंग टोपोलॉजी, रिंग के बाद हम नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है स्टार टोपोलॉजी। स्टार टोपोलॉजी देखते हैं कि स्टार टोपोलॉजी नेटवर्क कैसा होता है। स्टार टोपोलॉजी इज एन अरेंजमेंट ऑफ द नेटवर्क इन विच एवरी नोड इज कनेक्टेड टू द सेंट्रल हब स्विच और अ सेंट्रल कंप्यूटर। स्टार टोपोलॉजी में सेंट्रल हब होती है, एक हब के साथ आप 8 से 10 कंप्यूटर्स को कनेक्ट कर दें, एक स्विच के साथ, एक सेंट्रल कंप्यूटर के साथ आप 8 से 10 या जितने भी आप से कनेक्ट होते हैं, मैक्सिमम से मैक्सिमम आप कंप्यूटर्स को एक हब के साथ स्विच या सेंट्रल कंप्यूटर्स के साथ कनेक्ट करते हैं तो उसको हम कहते हैं स्टार टोपोलॉजी। ठीक है, जैसे हमारी लैब्स वगैरह हैं यूनिवर्सिटी के अंदर, कंप्यूटर लैब्स हैं, तो उसमें हमारी स्टार टोपोलॉजी इम्प्लीमेंट होती है कि एक सेंट्रल हब के साथ हमारे तमाम कंप्यूटर जो हैं वो अटैच होते हैं। तो स्टार टोपोलॉजी इज़ एन अरेंजमेंट ऑफ अ नेटवर्क इन विच एवरी नोड इज़ कनेक्टेड टू द सेंट्रल हब स्विच और अ सेंट्रल कंप्यूटर। द सेंट्रल कंप्यूटर इज़ नॉन एज सर्वर एंड द पेरीफेरल डिवाइसेस अटैच टू द सर्वर आर नॉन एज क्लाइंट। यूजल केबल्स और आर्च 4-5 केबल्स आर यूज टू कनेक्ट द कंप्यूटर्स। हब्स और स्विचेज आर मेनली यूज एज कनेक्शन डिवाइसेज इन अ फिजिकल स्टार टोपोलॉजी। स्टार टोपोलॉजी इज़ द मोस्ट पॉपुलर टोपोलॉजी इन नेटवर्क इम्प्लीमेंटेशन। सबसे ज़्यादा पॉपुलर जो है नेटवर्क इम्प्लीमेंटेशन में वो स्टार टोपोलॉजी है। ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर टोपोलॉजी, हर ये लैब्स के अंदर यही टोपोलॉजी यूज़ हो रही होती है, मोस्टली ऑफिसेज में, हॉस्पिटल्स में, अगर लैब्स में, एजुकेशन में हम देखें, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में, तो यही टोपोलॉजी जो है यूज़ हो रही, स्टार टोपोलॉजी यूज़ हो रही है। तो स्टार टोपोलॉजी इज़ एन अरेंजमेंट ऑफ द नेटवर्क इन विच एवरी नोड इज़ कनेक्टेड टू द सेंट्रल हब स्विच और अ सेंट्रल कंप्यूटर। द स्टार टोपोलॉजी नेटवर्क का एक ऐसा जो है वो एक ऐसी अरेंजमेंट है जिसमें हर नोड जो है वो कनेक्ट होती है सेंट्रल हब से, स्विच से या सेंट्रल कंप्यूटर से। तो सेंट्रल कंप्यूटर इज़ नॉन एज सर्वर, सेंट्रल कंप्यूटर को हम सर्वर कहते हैं। एंड द पेरीफेरल डिवाइसेस अटैच होती हैं हमारे सर्वर के साथ जिनको हम क्लाइंट्स कहते हैं। क्यूगजल्स केबल्स और RJ-45 केबल्स आर यूज टू कनेक्ट द कंप्यूटर्स। तो क्यूगजल्स केबल या RJ-45 केबल्स कंप्यूटर्स को कनेक्ट करने के लिए यूज़ होती है। हब और स्विचेस आर मेनली यूज्ड एज कनेक्शन डिवाइसेस इन अ फिजिकल स्टार टोपोलॉजी। हब और स्विचेस मेनली यूज होती हैं कनेक्शंस के लिए डिवाइसेस की फिजिकल स्टार टोपोलॉजी के अंदर। अगर हमें स्टार टोपोलॉजी नेटवर्क को इम्प्लीमेंट करना है तो कनेक्शन के लिए हम हब या स्विचेस को मेनली यूज़ करेंगे। ठीक है, और स्टार टोपोलॉजी इज़ मोस्ट पॉपुलर टोपोलॉजी इन नेटवर्क इम्प्लीमेंटेशन। स्टार टोपोलॉजी सबसे ज़्यादा पॉपुलर टोपोलॉजी है नेटवर्क इम्प्लीमेंटेशंस में। स्टार टोपोलॉजी के बाद हमारे पास आ जाती है ट्री टोपोलॉजीज। ट्री टोपोलॉजी कंबाइन द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ बस टोपोलॉजी एंड स्टार टोपोलॉजी। तो बस एंड स्टार टोपोलॉजी के
करैक्टरिस्टिक्स को कंबाइन करके हम ट्री टोपोलॉजी बनाते हैं. ट्री टोपोलॉजी इज़ अ टाइप ऑफ स्ट्रक्चर इन विच ऑल द कंप्यूटर आर कनेक्टेड विद ईच अदर इन हायरार्किकल फैशन. द टॉप मोस्ट नोड इन द ट्री टोपोलॉजी इज़ नोन एज रूट नोड एंड ऑल अदर नोड्स आर द descendant of the root node. There is only one path exists between two nodes for the data transmission. Thus, it form a parent-child hierarchy. Tree से आपको पता चल रहा है कि ये parent-child hierarchy की form में होती है. Tree topology network अगर हम लगाएं तो किस form में आ रहा होता है? Parent-child hierarchy की form में आ रहा है. तो tree topology combines the characteristics of bus topology and star topology. Tree topology, bus topology और star topology की characteristics को combine करके बनाई गई है. Tree topology is a type of structure. Tree topology एक किस्म का ऐसा structure है जिसमें तमाम computers को एक दूसरे के साथ hierarchical fashions में connect किया जाता है. टॉप मोस्ट नोड जो टोपोलॉजी में होती है उसको हम रूट नोड कहते हैं. उसके अलावा अदर नोड जो हैं उनको हम डिसेंडेंट ऑफ द रूट नोड कहते हैं. ठीक है, उनको हम कहते हैं डिसेंडेंट है वो रूट नोड्स की. मीन चाइल्ड्स हैं नोड के पेरेंट हम कहते हैं रूट नोड को, हम पेरेंट्स नोड भी कहते हैं. और बाकी रिमेनिंग जो उनके साथ अटैच होती हैं नोड्स उनको हम कहते हैं डिसेंडेंट मीन्स चाइल्ड नोड्स. ठीक है, देयर इज़ ओनली वन पाथ एग्जिस्ट बिटवीन टू नोड्स का डेटा ट्रांसमिशन. जस्ट हमारे पास डेटा ट्रांसमिशंस के लिए टू नोड्स के दरमियान एक ही पाथ जो है वो एग्जिस्ट करता है. दस इट्स फॉर्म ऑफ पेरेंट चाइल्ड हायरार्की. तो ये जो है वो पेरेंट चाइल्ड हायरार्की की फॉर्म में नेटवर्क होता है. ठीक है, तो ट्री टोपोलॉजी नेटवर्क जो है ये पेरेंट चाइल्ड हायरार्की की फॉर्म में होता है. ओके, ट्री के बाद हमारे पास आ जाती है मैश टोपोलॉजी. मैश टोपोलॉजी को पढ़ लेते हैं. मैश टोपोलॉजी क्या होती है? मैश टोपोलॉजी इज एन अरेंजमेंट ऑफ द नेटवर्क इन विच कंप्यूटर्स आर इंटरकनेक्टेड विद ईच अदर थ्रू वेरियस रिडंडेंट कनेक्शंस. तो मैश टोपोलॉजी एक ऐसी अरेंजमेंट है नेटवर्क की जिसमें कंप्यूटर्स इंटर कनेक्ट होते हैं एक दूसरे के साथ वेरियस रिडंडेंट कनेक्शंस के थ्रू. ठीक है, तो मैश टोपोलॉजी इज़ एन अरेंजमेंट ऑफ द नेटवर्क इन विच कंप्यूटर्स आर इंटर कनेक्टेड विद ईच अदर थ्रू वेरियस रिडंडेंट कनेक्शन. देयर आर मल्टीपल पाथ फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर कंप्यूटर. इट डज नॉट कंटेन द स्विच हब और एनी सेंट्रल कंप्यूटर विच एक्ट एज अ सेंट्रल पॉइंट ऑफ कम्युनिकेशन. The internet is an example of the mesh topology. Mesh topology is mainly used for WAN implementation where communication failures are a circular concern. Are a critical concern. Mesh topology is mainly used for wireless network. तो जो mesh topology है ये कैसी arrangement है network की जिसमें computers एक दूसरे के साथ interconnect होते हैं various redundant connections के through. ठीक है, तो ये मल्टीपल पार्ट्स है कंप्यूटर, एक कंप्यूटर का एक दूसरे के. देयर आर मल्टीपल पार्ट्स फ्रॉम वन कंप्यूटर अनदर कंप्यूटर्स. एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक जो है वो मल्टीपल पाथ होते हैं मैश टोपोलॉजी में. ठीक है, उसके बाद इट डज़ नॉट कंटेन, ये जो टोपोलॉजी है ये स्विच हब या किसी भी सेंट्रल कंप्यूटर्स पे कंसिस्ट नहीं करती. विच एक्ट एज अ सेंट्रल पॉइंट ऑफ कम्युनिकेशन, के ये एक सेंट्रल पॉइंट ऑफ कम्युनिकेशन की तरह एक्ट कर रहा है. ऐसा नहीं होता इसके अंदर क्योंकि इसमें सेंट्रल पॉइंट ऑफ कम्युनिकेशन की तरह एक्ट ही नहीं होता. विच एक्ट एज अ सेंट्रल पॉइंट ऑफ कम्युनिकेशन मीन्स सेंट्रल पॉइंट ऑफ कम्युनिकेशन की तरह ये एक्ट कर रहा है बट इट डज नॉट कंटेन स्विच हब और एनी सेंट्रल कंप्यूटर. ठीक है, विच एक्ट एज अ सेंट्रल, हाँ जी, ये जो है वो एक्ट कंटेन, ये मुश्तमिल नहीं होता किसी भी हब स्विच या सेंट्रल कंप्यूटर पे मुश्तमिल नहीं होता जो कि एक्ट करती हैं एज अ सेंट्रल पॉइंट ऑफ कम्युनिकेशन. ठीक है, तो एक्ट जो कर रहे होते हैं सेंट्रल कंप्यूटर एज अ सेंट्रल पॉइंट ऑफ कम्युनिकेशन, तो उनमें जो एक्ट कर रहे हो, जो सेंट्रल कंप्यूटर एक्ट करते हैं एज अ सेंट्रल पॉइंट ऑफ कम्युनिकेशन, उन पे जो है ये टोपोलॉजी कंसिस्ट नहीं करती. हब पे ये टोपोलॉजी कंसिस्ट नहीं कर रही, स्विच पे भी कंसिस्ट नहीं कर रही. तो मैश टोपोलॉजी की जो सबसे जो एग्जांपल है, बिगेस्ट एग्जांपल है वो इंटरनेट है. ठीक है, मैश टोपोलॉजी इज़ मेनली यूज फॉर वैन इम्प्लीमेंटेशन. वैन इम्प्लीमेंटेशन में यूज़ होती है मैश टोपोलॉजी वेयर कम्युनिकेशन फेलियर्स आर अ क्रिटिकल कंसर्न. इसमें अगर
कम्युनिकेशंस फेलियर जो है ये सबसे बड़ा जो है वे क्रिटिकल कंसर्न है। मैश टोपोलॉजी ज़्यादा कहाँ यूज़ हो रही है, वायरलेस नेटवर्क्स में यूज़ हो रहा है मैश टोपोलॉजी का। नेक्स्ट आ जाते हैं हाइबर टोपोलॉजी। हाइबर टोपोलॉजी द कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस डिफरेंट टोपोलॉजीज इज नोन एज हाइबर टोपोलॉजी। तो डिफरेंट टोपोलॉजीज, वेरियस डिफरेंट टोपोलॉजीज के कॉम्बिनेशंस को हम हाइबर टोपोलॉजीज कहते हैं। हाइबर टोपोलॉजी इज अ कनेक्शन बिटवीन डिफरेंट लिंक्स एंड नोड्स टू ट्रांसफर द डाटा। When two or more different topologies are combined together is termed as hybrid topology, and if similar topologies are connected with each other will not result in hybrid topology. For example, if there exists a ring topology is one branch of ICIC bank and bus topology is another branch of ICICI bank, connecting these two topologies will result in hybrid topologies. कॉम्बिनेशन जो है वेरियस डिफरेंट टोपोलॉजीज का उसको हम हाइब्रिड टोपोलॉजी कहते हैं। हाइब्रिड टोपोलॉजी एक कनेक्शन है इन बिटवीन डिफरेंट लिंक्स एंड नोड्स के दरमियान डाटा को ट्रांसफ़र करने का। तो हाइब्रिड टोपोलॉजी ये कनेक्शन है डिफरेंट लिंक्स एंड नोड्स के दरमियान डाटा को ट्रांसफ़र करने का, ठीक है। व्हेन टू और मोर डिफरेंट टोपोलॉजीज आर कम्बाइंड टुगेदर, जब दो या दो से ज़्यादा डिफरेंट टोपोलॉजीज एक दूसरे के साथ कंबाइन होती हैं तो इसको हम कहते हैं हाइब्रिड टोपोलॉजी, ठीक है। ये बिल्कुल सिमिलर टोपोलॉजी हैं, एंड इफ़ सिमिलर टोपोलॉजीज आर कनेक्टेड विद ईच अदर विल नॉट रिजल्ट इन हाइब्रिड टोपोलॉजी। अगर सिमिलर टोपोलॉजीज एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो जाएँ तो वो हाइब्रिड टोपोलॉजी का रिजल्ट नहीं देती, ठीक है। सिमिलर टोपोलॉजीज को एक दूसरे के साथ लिंक नहीं होना, हाइब्रिड में डिफरेंट टोपोलॉजीज को एक दूसरे के साथ कंबाइन होना। जब डिफरेंट टोपोलॉजीज एक दूसरे के साथ कंबाइंड होती हैं, ठीक है, इकट्ठी होती हैं, तो वो एक टर्म बन जाती है हाइब्रिड टोपोलॉजी की। अगर हमारे पास सिमिलर टोपोलॉजी कनेक्ट हो जाती हैं एक दूसरे के साथ तो वो रिज़ल्ट नहीं आता हाइब्रिड टोपोलॉजी का, ठीक है। तो हाइब्रिड टोपोलॉजी जो है अगर डिफरेंट टोपोलॉजीज एक दूसरे के साथ कंबाइन होंगी तो उसको हम कहते हैं हाइब्रिड टोपोलॉजी। फॉर एग्जांपल, इफ़ देयर एग्जिस्ट अ रिंग टोपोलॉजी इन वन ब्रांच ऑफ आईसीआईसीआई बैंक एंड बस टोपोलॉजी इन अदर ब्रांच ऑफ आईसीआईसी बैंक, तो दो टोपोलॉजीज हो गई, एक रिंग हो गई एक बस हो गई, तो कनेक्टिंग दिस टू टोपोलॉजी रिजल्ट इन हाइब्रिड टोपोलॉजी। अगर हम बस और रिंग टोपोलॉजी को एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर देते हैं तो वो हाइब्रिड टोपोलॉजी बन जाएगी, ठीक है। अगर हम बस को बस के साथ कनेक्ट कर रहे हैं तो वो हाइब्रिड टोपोलॉजी नहीं बनेगी। तो मींस के लाइक लिंक का बस रिंग बस के साथ कनेक्ट कर दें, ट्री को रिंग के साथ कर दें, बस को ट्री के साथ कर दें, तो इस तरह डिफरेंट टोपोलॉजीज को जब हम एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर देते हैं तो वो तो एक जो है वो हाइब्रिड टोपोलॉजी बन जाती है, ठीक है। अच्छा, हमारे पास थी स्टूडेंट्स टोपोलॉजीज, नेटवर्क टोपोलॉजीज क्या थी। ये एक स्ट्रक्चर था नेटवर्क का जिसमें हम कंपोनेंट्स को एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्ट करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास नेटवर्क टोपोलॉजीज की हमने 3, 4, 5, 6 टाइप्स को इसमें डिस्कस किया। बस टोपोलॉजी थी, रिंग टोपोलॉजी है, ठीक है, स्टार है, ट्री टोपोलॉजी है, बस टोपोलॉजी किस लिए डिज़ाइन हुई, बस टोपोलॉजी जितने भी स्टेशंस हैं उनको आपस में कनेक्ट करने के लिए एक सिंगल केबल्स में एक बैकबोन केबल्स के साथ तमाम स्टेशंस को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करने के लिए डिज़ाइन की गई है, ठीक है। बस टोपोलॉजी के अंदर क्या हो रहा है, बस टोपोलॉजी के अंदर जो है वो जो स्टेशन है, जो नोड है, वो या तो ड्रॉप केबल्स के थ्रू बैकबोन के साथ कनेक्ट हो रहा है या वो डायरेक्टली बैकबोन केबल्स के साथ कनेक्ट हो रहा है। उसके अलावा जो नोड है वो मैसेज सेंड करती हैं, ठीक है, नेटवर्क्स पे मैसेज भेजती हैं बस टोपोलॉजी के अंदर। तो वो जो नेटवर्क के अंदर जब मैसेज पुट होता है तो तमाम स्टेशन जितने भी अवेलेबल होते हैं बैकबोन केबल पे, तो वो तमाम स्टेशंस पे मैसेज रिसीव होता है। उसके बाद जो एड्रेस मैच होता है
मैसेज का एड्रेस जिस सिस्टम्स के साथ मैच हो रहा होता है वही सिस्टम उसको जो है रिसीव कर सकता है मैसेज को। तो मोस्टली जो है बस टोपोलॉजी मेनली कहाँ यूज़ हो रही है, 802.3 आदर नेट में एंड 802.4 स्टैंडर्ड नेटवर्क में बस टोपोलॉजी का यूज़ होता है। ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन जो बस टोपोलॉजी बिल्कुल सिंपलर है, ठीक है, और कंपेयर करती है ये अदर टोपोलॉजीज़ के साथ। और उसके अलावा बैकबोन केबल कंसीडर एज ए सिंगल लेन हम कंसीडर करते हैं, जिसमें मैसेज जो है तमाम स्टेशन में मैसेज को ब्रॉडकास्ट किया जाता है। सेकंड हमने टोपोलॉजी पढ़ी थी रिंग। रिंग अब क्या है कि रिंग की तरह जैसे क्लॉक की डायरेक्शंस होती है, बिल्कुल रिंग की वैसी डायरेक्शंस है। मीन इनका कोई टर्मिनेशन एंड नहीं होता, ये जो है बस टोपोलॉजी की तरह ही होती है, लेकिन ये एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होती है। फॉर एग्जांपल रिंग टेक्नोलॉजी में अगर हम 10 कंप्यूटर को कनेक्ट करते हैं आपस में, तो एक कंप्यूटर जो है वो दूसरे के साथ कनेक्ट हो जाएगा, दूसरा थर्ड के साथ, थर्ड फोर के साथ, फोर फाइव के साथ, 5-6 के साथ, 6-7 के साथ, 7-8 के साथ, 8-9 के साथ, 9-10 के साथ, एंड 10 कंप्यूटर फिर फर्स्ट वन के साथ कनेक्ट हो जाएगा। बिल्कुल एक गोल शेप, एक रिंग की शेप जो सी होती है, एक क्लॉक डायरेक्शंस की तरह, एक जैसे लूप चल रही है कंटिन्यूसली, इस तरह ये टोपोलॉजी एक दूसरे के साथ कनेक्टेड। मीन ईच नोड इज़ कनेक्टेड टू अनदर एंड नो टर्मिनेशन पॉइंट, इसका कोई टर्मिनेशन एंड नहीं होता। ठीक है, मीन्स डाटा एक ही फ्लो में डायरेक्शंस में डाटा जो है वो फ्लो कर रहा होता है। उसमें जो नोड्स हैं वो रिसीव करते हैं मैसेज को प्रीवियस नोड से और फिर उसको ट्रांसमिट कर देते हैं नेक्स्ट नोड में। ठीक है, जैसे कि नोड नंबर 2 ने नोड नंबर 1 से मैसेज को रिसीव किया और नोड नंबर 3 में मैसेज को जो है वो ट्रांसमिट कर दिया। मींस जो नोड है वो अपने प्रीवियस नोड से मैसेज को रिसीव करता है और नेक्स्ट नोड में मैसेज को ट्रांसमिट कर देता है। उसके अलावा जो रिंग टोपोलॉजी है इसका कोई एंड टर्मिनेटिंग एंड नहीं होता, मीन्स एक नोड दूसरे के साथ कनेक्टेड है। ठीक है, कोई टर्मिनेशन पॉइंट नहीं है इसका रिंग टोपोलॉजी का। रिंग टोपोलॉजी में जो डाटा है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शंस में जो है वो फ्लो कर रहा है। डाटा इन रिंग टोपोलॉजी फ्लो इन अ क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो डाटा जो रिंग टोपोलॉजी के अंदर वो फ्लो कर रहा है क्लॉकवाइज डायरेक्शंस में। तो मोस्ट कॉमन एक्सेस रिंग टोपोलॉजी में हमारे पास टोकन पासिंग की आती है, तो उसमें टोकन पास होता है एक नोड से दूसरे नोड तक। तो टोकन हमारे पास एक फ्रेम है जो नेटवर्क्स के इर्द गिर्द जो है वो सर्कुलेट करता है। ठीक है, थर्ड टोपोलॉजी हमने स्टार टोपोलॉजी पढ़ी। टोपोलॉजीज में स्टार टोपोलॉजी बिल्कुल अरेंजमेंट है नेटवर्क की, जिसमें हर नोड कनेक्ट होता है एक सेंट्रल हब से, स्विच से एंड सेंट्रल कंप्यूटर से। जैसे हम अब बात करें अपने यूनिवर्सिटी के कंप्यूटर लैब्स की ही बात कर लें, तो कंप्यूटर लैब के अंदर जो है वो हमारी स्टार टोपोलॉजी इंप्लीमेंट है इस टाइम पे। ठीक है, क्योंकि हर नोड जो है वो एक सेंट्रल हब के साथ कनेक्ट है, स्विच या सेंट्रल कंप्यूटर के साथ जो है वो कनेक्टेड होती है। तो सेंट्रल कंप्यूटर को हम सर्वर भी बोलते हैं। ठीक है, तो जितनी भी पेरिफेरल डिवाइसेस हैं वो सर्वर के साथ अटैच हैं, जिसे हम क्लाइंट्स कहते हैं। क्यूगजल्स केबल्स और RJ45 केबल्स जो हैं वो कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करवाती हैं रिंग टोपोलॉजीज़ के अंदर। स्टार टोपोलॉजी में, ठीक है, ओके, स्टार टोपोलॉजी और हब और स्विचेस आर मेनली यूज्ड, और हब और स्विचेस यूज़ होते हैं स्टार टोपोलॉजी में। ठीक है, कनेक्शंस के लिए डिवाइसेस की। और उसके अलावा स्टार टोपोलॉजी मोस्ट पॉपुलर टोपोलॉजी है नेटवर्क इम्प्लीमेंटेशंस के लिए। नेक्स्ट हमने स्टडी की थी ट्री टोपोलॉजी। ट्री टोपोलॉजी कंबाइंस द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ बस एंड स्टार। बस एंड स्टार दोनों करेक्टरिस्टिक्स को कंबाइन करके हमने जो कंबाइन करके ट्री टोपोलॉजीज बनती है। ठीक है, ट्री टोपोलॉजीज ऐसी टाइप है, इज अ टाइप ऑफ स्ट्रक्चर, इस टाइप का स्ट्रक्चर है जिसमें ये तमाम कंप्यूटर्स कनेक्टेड होते हैं एक दूसरे के साथ एक हायरार्किकल फैशंस में। ठीक है, a tree topology is a type of structure in which all computers are connected with each other in hierarchical fashions. The topmost node in tree topology is known as root node and all other nodes are the documentations descendant of the root node. तो स्टार ट्री टोपोलॉजी इसके अंदर क्या है, जितने भी हमारे पास क्लाइंट्स हैं उनको हम क्या कहते हैं, रूट नोड कहते हैं, और उसके अलावा रूट नोड उनको बोलते हैं। ठीक है, एंड ऑल अदर नोड्स आर डिसेंडेंट ऑफ द रूट नोड। ट्री टोपोलॉजी के अंदर तमाम क्लाइंट्स को रूट नोड नहीं कहते हम, जस्ट उनको कहते हैं डिसेंडेंट ऑफ द रूट नोड। ठीक है, जो हमारे पास टॉप मोस्ट नोड होती है ट्री टोपोलॉजी के अंदर उसको हम कहते हैं
टॉप मोस्ट नोड को रूट नोड कहते हैं, और उसके जितने भी डिसेंडेंट हैं वो उसको हम कहते हैं डिसेंडेंट ऑफ द रूट नोड। ठीक है, टॉप मोस्ट नोड को हम कहते हैं ट्री टोपोलॉजी में रूट नोड, और उस रूट नोड के जितने भी फर्दर कनेक्टेड नोड्स होती हैं उनको हम कहते हैं डिसेंडेंट ऑफ द रूट नोड। तो ट्री टोपोलॉजी में देयर इज ओनली वन पाथ एग्जिस्ट बिटवीन टू नोड्स फॉर द डेटा ट्रांसमिशन। डेटा ट्रांसमिशन के लिए जस्ट टू नोड्स के दरमियान एक ही पाथ एग्जिस्ट करता है, इसको हम कहते हैं पेरेंट चाइल्ड हायरार्की भी कहते हैं ट्री टोपोलॉजी को। नेक्स्ट हमने स्टडी किया था मैश टोपोलॉजी। मैश टोपोलॉजी बेसिकली क्या है, इज एन अरेंजमेंट है नेटवर्क इन विच कंप्यूटर्स आर इंटरकनेक्टेड विद ईच अदर थ्रू वेरियस रिडंडेंट कनेक्शंस। तो मैश टोपोलॉजी एक अरेंजमेंट है नेटवर्क की जिसमें कंप्यूटर्स इंटरकनेक्टेड होते हैं एक दूसरे के साथ वेरियस रिडंडेंट कनेक्शंस के थ्रू। ठीक है, और मल्टीपल पाथ, देयर आर मल्टीपल पाथ फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर। एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर्स में मल्टीपल पाथ्स होते हैं। ठीक है, कनेक्शंस के लिए मल्टीपल पाथ्स अवेलेबल होते हैं। एक कंप्यूटर को जब दूसरे कंप्यूटर्स के साथ हमें कनेक्ट करना होता है तो मल्टीपल पाथ्स अवेलेबल होते हैं मैश में। एंड ये जो मैश टोपोलॉजी है ये किसी भी स्विच या हब या सेंट्रल कंप्यूटर पे कंटेन नहीं करती। द इंटरनेट इसकी एक बेस्ट एग्जांपल है मैश टोपोलॉजी की। मैश टोपोलॉजी इज मेनली यूज्ड फॉर वैन इम्प्लीमेंटेशन वेयर कम्युनिकेशंस फेलियर्स आर अ क्रिटिकल कंसर्न। सो मैश टोपोलॉजी जो है ये बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही है वैन इम्प्लीमेंटेशंस में, जहाँ पे कम्युनिकेशन फेलियर जो है एक क्रिटिकल कंसर्न बन रहा है। तो मैश टोपोलॉजी सिमिलर यूज़ फॉर वायरलेस नेटवर्क। तो मैश टोपोलॉजी है यू वायरलेस नेटवर्क के लिए ज़्यादा यूज़ हो रही है। नेक्स्ट हमारे पास है हाइब्रिड टेक्नोलॉजी। द कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस डिफरेंट टोपोलॉजीज इज नॉन एज हाइब्रिड। हाइब्रिड है वेरियस कॉम्बिनेशन डिफरेंट टोपोलॉजीज का कॉम्बिनेशन को हम हाइब्रिड कहते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अब मेरे पास एक बैंक के अंदर एक किसी बैंक की ब्रांच में टोपोलॉजी है यूज़ हो रही बस। ठीक है, और अनदर ब्रांच में मेरे पास रिंग टोपोलॉजी यूज़ हो रही है। तो दोनों टोपोलॉजीज़ का अगर मैं कनेक्शन करवाती हूँ तो वो कौन सी टोपोलॉजी बन जाती है हमारे पास, हाइब्रिड। अगर हम सेम टोपोलॉजीज़ का कनेक्शन करवाएं लाइक हम एक रिंग टोपोलॉजी है फिर एक और नेक्स्ट कोई दूसरी ब्रांच है एक बैंक की ब्रांच में ट्री टोपोलॉजी यूज़ का कनेक्शन है। ठीक है, नेटवर्क लगा हुआ है और दूसरी किसी और ब्रांच में भी एक हमारे पास ट्री टोपोलॉजी है। तो दोनों का अगर हम कनेक्शन करवा रहे हैं तो वो जो है वो हाइब्रिड नहीं होगा। डिफरेंट हमारे पास टोपोलॉजीज यूज़ होती हैं हाइब्रिड के लिए। ठीक है, अगर हमें हाइब्रिड टोपोलॉजीज में डिफरेंट हमारे पास जो है वो टोपोलॉजीज का कनेक्शन रिक्वायर्ड है। ओके, क्लास टोपोलॉजीज के बाद हमारे पास आ जाता है इंटरनेट। इंटरनेट क्या है, इंटरनेट कैन बी डिफाइंड एज पार प्राइवेट नेटवर्क यूज्ड बाय एन ऑर्गेनाइजेशन। इंटरनेट एक को कैसे डिफाइन किया गया है, एज अ प्राइवेट नेटवर्क डिफाइन किया गया है। ठीक है, यूज्ड बाय एन ऑर्गेनाइजेशन जिसे ऑर्गेनाइजेशन यूज़ करती हैं। ठीक है, उसके अलावा डिफरेंट यूजर्स भी यूज़ कर रहे हैं, बट उसकी डेफिनेशन में यही है कि इंटरनेट कैन बी डिफाइन एज अ प्राइवेट नेटवर्क यूज्ड बाय एन ऑर्गेनाइजेशन। तो जो हमारे पास इंटरनेट है उसको कैसे डिफाइन किया गया, एज अ प्राइवेट नेटवर्क डिफाइन किया गया है जो कि यूज्ड हो रहा है एज एन ऑर्गेनाइजेशन यूज हो रहा है। ठीक है, इट्स प्राइमरी पर्पज़ इज़ टू हेल्प इम्प्लॉय सिक्योरली कम्युनिकेट विद ईच अदर। तो इसका जो प्राइमरी पर्पज़ है इंटरनेट का यही है कि हेल्प करता है इम्प्लॉयज़ की कि वो सिक्योरली कम्युनिकेट कर सकें एक दूसरे के साथ, टू स्टोर इंफॉर्मेशंस को स्टोर कर सकें एंड टू हेल्प कोलैबोरेट। ठीक है, कोलैबोरेट और एक दूसरे के साथ बातचीत कर सकें। ठीक है, एक दूसरे के साथ बातचीत कर सकें, एक बहुत ही महफूज तरीका है। ठीक है, एक दूसरे के साथ बातचीत करने का, इन्फॉर्मेशन को स्टोर करने का, ठीक है, और तावुन में मदद करने का, एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करना, तावुन करना एक दूसरे के साथ। ठीक है, मॉडर्न इंटरनेट यूज सोशल इंटरनेट फीचर्स दैट ऑल एम्प्लॉयज टू क्रिएट प्रोफाइल एंड टू सबमिट लाइक कमेंट्स एंड शेयर पोस्ट। और हमारे पास जो जदीद इंटरनेट सोशल इंटरनेट है, ठीक है, उसकी करैक्टरिस्टिक्स क्या हैं कि जो एम्प्लॉयज़ हैं वो अपनी अपनी प्रोफाइल क्रिएट करते हैं, पोस्ट करते हैं। ठीक है, जो भी रेलेवेंट मटेरियल है उसको पोस्ट कर देते हैं, उसको लाइक करते हैं, उन पर कमेंट्स करते हैं, उनको शेयर्स करते हैं। ठीक है, ये हमारे पास था इंटरनेट। नेक्स्ट हम नेटवर्क कम्युनिकेशन, नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम जो है वो प्रीवियस टोपोलॉजीज़ को दोबारा डिस्कस करेंगे। ठीक है,
प्रीवियस टोपोलॉजीज को दोबारा डिस्कस करने के बाद फिर हम अगेन नेटवर्क कम्युनिकेशन स्टैंडर्ड्स को डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आइदर नेट्स को पढ़ेंगे, टोकन रिंग है उसको डिस्कस करेंगे कि टोकन रिंग क्या, TCP/IP ठीक है, और उसके बाद कम्युनिकेशन ओवर द टेलीफोन नेटवर्क, डायल अप लाइन्स हैं, डेडिकेटेड लाइन्स हैं, ISDN लाइन्स, TSL, इन ये जितने भी टॉपिक हैं इंशाल्लाह हम इनको नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। तो इस लेक्चर में हमने क्या कवर किया, लेक्चर नंबर 8 में हमने कम्युनिकेशंस को पढ़ा। कम्युनिकेशंस में हमारे पास 3 डेफिनेशंस आ जाती हैं। कम्युनिकेशन को डिफाइन किया गया, डिजिटल कम्युनिकेशंस क्या है उसको डिफाइन किया गया, उसके बाद कंप्यूटर नेटवर्क को डिफाइन किया गया कि कंप्यूटर नेटवर्क क्या है। ठीक है, कम्युनिकेशंस के अंदर 3 डेफिनेशंस को हमने स्टडी किया है, कम्युनिकेशंस को, डिजिटल कम्युनिकेशंस को एंड कंप्यूटर नेटवर्क्स को। उसके बाद चैप्टर नंबर 8 में हमारे पास सेकंड टॉपिक है नेटवर्क्स का। नेटवर्क्स में हमने नेटवर्क्स को पढ़ा, नेटवर्क्स की डेफिनेशंस को पढ़ा, उसकी 4 टाइप्स थी, पर्सनल एरिया नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, ठीक है, एंड वाइड एरिया नेटवर्क। तो 4 नेटवर्क्स को हमने डिटेल में स्टडी किया है कि हमारे पास लोकल एरिया नेटवर्क्स क्या हैं, हमारे पास मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क्स को हमने स्टडी किया, उसके बाद हमने वाइड एरिया नेटवर्क को स्टडी किया। 4 जो इसमें नेटवर्क है, पर्सनल एरिया नेटवर्क, वो इसमें गिवन नहीं था, ठीक है, बट मैंने आपको बताया है इस लेक्चर्स के अंदर कि हमारे पास पर्सनल एरिया नेटवर्क क्या होता है। तो उसके बाद हमने नेटवर्क आर्किटेक्चर्स को स्टडी किया, नेटवर्क कंप्यूटर नेटवर्क आर्किटेक्चर्स की डेफिनेशंस को हमने स्टडी किया, उसकी 2 टाइप्स थी, नेटवर्क आर्किटेक्चर की, पीयर टू पीयर नेटवर्क एंड क्लाइंट सर्वर नेटवर्क्स। तो इन दोनों को हमने डीप में स्टडी किया कि हमारे पास पीयर टू पीयर नेटवर्क क्या होते हैं, ठीक है, क्लाइंट सर्वर नेटवर्क्स क्या होते हैं, इनको स्टडी किया। उसके बाद हमारे पास नेटवर्क टोपोलॉजीज आ गई फिर, ठीक है, नेटवर्क टोपोलॉजीज की डेफिनेशन इसमें हमने स्टडी की कि डिफ़ाइन किया नेटवर्क टोपोलॉजीज क्या हैं। उसके बाद हमने नेटवर्क टोपोलॉजीज, हमारे पास 6 टोपोलॉजीज थी, जिसमें हमारे पास बस टोपोलॉजी थी, रिंग टोपोलॉजी है, स्टार टोपोलॉजी है, इसको मैंने 2 दफ़ा एक्सप्लेन कर दिया है, इन टोपोलॉजी को इस लेक्चर में, 3 टोपोलॉजी को एक्सप्लेन किया, मैश टोपोलॉजी को एक्सप्लेन किया एंड हाइब्रिड टोपोलॉजी को एक्सप्लेन किया, ठीक है, इनको मैंने 2 टाइम्स टू हैव एक्सप्लेन किया है इन टोपोलॉजी को। उसके बाद इंटरनेट का टॉपिक था, इंटरनेट को हमने डिफ़ाइन किया कि इंटरनेट क्या होता है, और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम आप नेक्स्ट पढ़ते हैं कि हमारे पास नेटवर्क कम्युनिकेशन स्टैंडर्ड्स पढ़ते हैं कि नेटवर्क कम्युनिकेशन स्टैंडर्ड कौन से हैं, और एक दफ़ा प्रीवियस भी हम लेक्चर्स को रिवाइज़ करेंगे। जो टोपोलॉजीज पढ़ी हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है, टोपोलॉजीज हमारी, तो टोपोलॉजीज़ को, इंटरनेट को हम नेक्स्ट लेक्चर में दोबारा रिवाइज़ करने के बाद फिर अगेन हम जो है वो नेटवर्क कम्युनिकेशन स्टैंडर्ड को स्टडी करेंगे, ठीक है। इसमें हम आइदर नेट, टोकन रिंग, TCP/IP को हम स्टडी करेंगे, कम्युनिकेशन ओवर द टेलीफोन नेटवर्क्स को देखेंगे, डायल अप लाइंस क्या होती हैं हमारे पास, डेडिकेटेड लाइंस क्या होती हैं, ISDN, ISDN लाइंस क्या होती हैं, DSL क्या है, ठीक है, इनका ये सारे हमारे जो हैं वो कम्युनिकेशन ओवर ऑल द टेलीफोन नेटवर्क्स हैं, इनको हम जो है वो स्टडी करेंगे। उसके बाद हम कम्युनिकेशन डिवाइसेस को स्टडी करेंगे, डायल अप मॉडम, वायरलेस मॉडम, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, राउटर्स, हब एंड स्विचेस, हब क्या हैं, स्विचेस, कम्युनिकेशन चैनल्स, फिजिकल ट्रांसमिशन मीडिया, ट्विस्टेड पेयर केबल, ये सारी हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर्स में इनको कवर करेंगे।